बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में मैं ये बताऊंगा कि बेल्ट एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है बायर कंपनी की। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना फ्लूबेंडामाइड है। फ्लूबेंडामाइड जो है ना ये बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का ये प्रोडक्ट है। इंटरनेशनली इसको बड़ा एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये बुनियादी तौर पर यह है ये सुंडियों के लिए। जिस तरह मैंने कल कोराजन का बताया था ना, मैं तीन चार जो बेस्ट है ना इंसेक्टिसाइड उनका मैं तारुफ पेश करूंगा। इस तरह हर्बिसाइड का भी करूंगा। फंजिसाइड जो है मोस्ट इफेक्टिव उनका भी मैं इसी तरीके से तारुफ पेश करूंगा। तो बेल्ट जो है ना बायर क्राप बायर पाकिस्तान की ऐसी प्रोडक्ट है कि ये ना सिर्फ सब्जियों आलू फूल गोभी टमाटर भिंडी तोरी और बैंगन वगैरह मिर्चों में इस्तेमाल के लिए ये सिफारिश की जाती है। ये लश्करी सुंडी और अमरीकन सुंडी ना सिर्फ ये बल्कि वो जो बोरर हैं बोरर बैंगन के उसके लिए, इसी तरह भिंडी तोरी को जो स्पॉटेड बोलवर्म जो अटैक करती है, इस तरह बरसीम में जो सुंडी आती है उसके लिए, तंबाकू में मकई के अंदर और मूंजी के जो पताल पेड़ सुंडी उसके ऊपर, तो इसकी डोज ही बहुत कम है 15-20 मिलीलीटर है। तो कपास से भी अमरीकन और लश्करी के लिए जो है ना ये यानी कि रेंज इसकी भी काफ़ी ज़्यादा है। जिस तरह कोराजन की जितनी रेंज है ऑलमोस्ट उतनी इसकी भी रेंज तो है। मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है ना वो ये है कि इसका एक मरतबा स्प्रे कर लेना आप समझ लेंगे एक ही स्प्रे से जो है ना सीज़न पार हो जाता है। सीज़न से मुराद ये है कि 40 दिन तक बहुत दफ़ा हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं रहती। इतनी तवील दौरानी है ताकि इसका जो असर जो है ना वो पत्तों को यानी कि कौड़ा कर देती है पौधे को। लेकिन ह्यूमन हेल्थ के हवाले से इतनी सेफ़ है कि इसकी PHI यानी पोस्ट हार्वेस्ट इंटरवल भी आज स्प्रे करें कल सब्जी मंडी में ले जा सकते हैं। और इसके ऊपर कोई इंटरनेशनली कोई चीज़ें एक्सपोर्ट करने के हवाले से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता। ऐसी IGR ग्रुप से तल्लक रखने वाली जो है ना ये जदीद काश्तकारी में इसकी बड़ी ही अहमियत है ये बेल्ट की। तो अब आ गया कि क्यों ना ये कोराजन और बेल्ट में क्या फ़र्क हुआ। बस इसका दौरानिया जो है ना वो तवील है। लश्करी सुंडी के लिए जो है ना ये 25 मिलीलीटर और अमरीकन सुंडी के लिए 50 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी मिलाकर जो है ना स्प्रे करने की सिफारिश की जाती है। अगरचे ये जहर जो है ना कतरे महंगी है कोराजन के मुकाबले में, ये मतलब 1400-1500 रुपए का जो है ना ये 50 मिलीलीटर की पैकिंग है। ये ना सिर्फ फौरी असर करके इसको सुंडियों को मारती है बल्कि काफ़ी देर तक इसका असर बरकरार रहता है। यही इसकी मुनफरद करेक्टर है इसका। बल्कि सबसे बढ़कर मैं समझता हूँ जितनी वॉल्यूम फ्लेक्सी है या रेडियंट है डेलीगेट है मैच है प्रोक्लेम ये इनके मुकाबले में ना कोराजन है इनके मुकाबले में इसका जो ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल है ना वो सबसे बेहतर है। ये इसका मुनफरद करेक्टर है।